वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं फिर वीडियो लाई हूँ आपके सामने पनीर का। तो आप देख सकते हैं मैंने हल्दीराम का पनीर लिया है, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं, तो आज हम पनीर का सिंपल भाजी बनाएंगे जो जिसके घर में सब अवेलेबल होता है। तो चलिए उसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगी मैं आपको बताती हूँ। ये शिमला मिर्च है, मैंने स्क्वायर साइज में काट लिया है, और ये प्याज है वो भी स्क्वायर साइज में काट लिया। ये हम जब ग्रेवी बना के उसके बाद हम जो फोरन लगाएंगे उसमें डालेंगे। और ये मैंने प्याज दो मीडियम साइज के काट लिए हैं, ये हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। और इसमें अदरक है एक इंच लिया है मैंने, टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। और 5 से 6 कलियां मैंने लहसुन के लिए छील के रख लिए हैं। और ये 2 टमाटर है, आप अपने स्वाद के अनुसार टमाटर ले सकते हो। ये 3 चीज हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे जो हम पहले पका के फिर उसमें हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट में हम काजू भी डालेंगे, तो तुरंत हम जब ये फ्राई करेंगे उसमें ही डाल देंगे। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे थोड़ा रिच भाजी बनती है, ये ऑप्शनल है, नहीं रहेगा तो आप स्किप कर सकते हो। और ग्रेवी के साथ हम इसमें गरम मसाले में खसखस डालेंगे, आप देख सकते हो खसखस, आपको पता है जो दानेदार रहता है। और खड़े मसाले में हम ये जब ये ग्रेवी के लिए सब पकाएंगे उसमें हम एक इसमें का टुकड़ा तेजपत्ता डालेंगे, एक फोरन में डालेंगे, ये बड़ी इलायची फोरन में डालेंगे। इसमें से हम फोरन और ग्रेवी के लिए दोनों यूज करेंगे। जीरा भी हम फोरन के लिए डालेंगे और ग्रेवी में भी यूज करेंगे। और एक काली मिर्च है, इसको भी हम फोरन में 4-5 दाना डालेंगे और बाकी का हम ग्रेवी में यूज करेंगे। और ये 2 इलायची इसमें से एक फोरन में डालेंगे और एक हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी करते हैं, हम स्टार्ट करते आगे का प्रोसेस। देख सकते हो मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, आप आयरन का भी यूज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये देखिए मैंने धो के अच्छे से इसको गर्म करने को रख दिया है, गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तेल डालेंगे। तो चलिए वेट करते हैं। ये देखिए गर्म हो गया है, तो हमें खाली कांदा टमाटर पकाना है। तो हम 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम गरम मसाला वगैरह ऐड करेंगे। तो ये देखिए तेल गरम हो चुका है, तो हम इसमें अभी जीरा डालेंगे, पहले काली मिर्च डालेंगे, एक इलायची डालेंगे, एक तेजपत्ता डालेंगे, और ये जो मिर्ची थी वो डालेंगे जो सूखी वाली मिर्ची है। और यहां मैं दालचीनी डाल रही हूँ एक टुकड़ा, और बाकी हम सब ये फोरन में यूज करेंगे। तो ये देखिए ये सब पक चुका है, अभी इसमें हम ये अदरक और लहसुन डालेंगे, और इसी के साथ हम ये प्याज डाल देंगे जो मैंने आपको बताया था 2 टाइप के प्याज काटे थे मैंने। तो ये जो स्क्वायर वाला था वो नहीं डाल के ये वाला डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। जब ये प्याज पक जाएगा थोड़ा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे, ये थोड़ा इसका पानी सूख जाए तो बाकी का हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो ये देखिए कांदा थोड़ा पक चुका है, तब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे क्योंकि इसका हम ग्रेवी बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम ये काजू है, ये काजू डाल देंगे। हमें सब मसाले डाल दिए क्योंकि हम बाद में खड़े मसाले ज्यादा नहीं डालेंगे। ये खसखस है, ये खसखस भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अब ऐसे बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें आप मटर भी मिक्स कर सकते हो, मैं बिना मटर का आपको बता रही हूँ।
थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा एकदम, आप देख सकते हो। अच्छे से मिक्स करके हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा। और एक कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है कलर के लिए, गोल्डी का, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। ये भी मैंने आधा चम्मच जितना डाला है कलर के लिए। ये क्या साथ में ग्रेवी के साथ पकेगा तो इसका स्वाद वो रहता है, जो इसका अलग स्वाद आता है वो इसमें चला जाएगा, पक जाएगा ना तो वो हट जाएगा, खाली कलर इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा तीखापन नहीं रहता है। तो आप देख सकते हो अभी कितना लाल हो चुका है, तो इसे हम 2 मिनट भून लेते हैं। तो ये देखिए सब मसाले पक चुके हैं, आप देख सकते हैं सॉफ्ट भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं, बाद में हम ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ग्रेवी बना लेंगे मिक्सर में पीस के, क्योंकि गरम गरम मिक्सर में डालेंगे तो मिक्सर जल सकता है। तो चलिए इसे ठंडा करने के लगते हैं, आगे का प्रोसेस चालू करते हैं हम। प्रोसेस के लिए जो मैंने आपको पनीर बताया था इसे हम पैकेट से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने पनीर निकाल लिया, ये 200 ग्राम का पनीर है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। इसे हम काट लेंगे, आप कोई भी शेप में काट सकते हो, आप देख सकते हो मैं लंबा लंबा काटा है। और इसमें मैं ये देखिए आप ऐसे भी रख सकते हो, आपको इसमें से दो और स्लाइस करने तो कर सकते हो, मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए क्योंकि ये ज़्यादा जाड़ा हो जाएगा, ये परफेक्ट साइज है, देखिए देखिए है ना। तो हम सब ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कर लिया है, आप देख सकते हो थिकनेस इसका, आप अपने हिसाब से थिकनेस रख सकते हो। तो इसे हम वही पैन में थोड़ा सा सेक लेंगे दोनों साइड। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। खाली करके दूसरी प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हो, दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए। तो इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, अभी जो पनीर हमने काटा है उसको थोड़ा सा सेक लेंगे। तो फिर हम एक चम्मच तेल डाल लेंगे अपने हिसाब से, अब इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे हम गरम होने के लिए रख देंगे, आप देख सकते हो मेरा वैसे भी पैन गरम था। अब इसे एक एक पीस करके, अब इसको कोटिंग करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, तो हमें सब ऐसे ही करके डाल देना है। देखिए मैंने सब डाल दिया है, अब इसे हम मतलब सेक लेंगे ऐसा, और उलट पलट करके हमें सब जगह से सेक लेना है, आप देख सकते हो। और ये क्या सेकते हैं ना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ये मैंने फ्रिज में रखा था ना तो थोड़ा कड़क हो गया था। ये सब चीज़ के लिए ना, ये नहीं तो जो विदाउट नॉनस्टिक रहता है ना तो उसमें सब चिपक जाता है, देखिए कैसे आसानी से ये हो रहा है। तो चलिए ऐसे ही हम सब जगह से सेक लेते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं मैंने पका लिया है, देखिए आप, तो ऐसे ही आपको सब साइड से पका लेना है। देखिए सब हो गया, तब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए फिसल रहा है, ये देखिए इसे हम प्लेट में करके निकाल लेते हैं एक एक करके। ट्रांसफर कर लिया है मिक्सर में, अब इसे हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं मैंने एकदम पतला कर लिया है, पानी ऐड नहीं किया है। तो चलिए आगे का फाइनल प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लिया है, फिर हम एक चम्मच जितना ऑयल डाल लेंगे, ज़्यादा मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया है, एक चम्मच जितना है, 1.5 चम्मच मैंने जब कांदा फ्राई किया था तब किया था, 1 चम्मच मैंने जब वो पनीर फ्राई करना था तब किया, अब 1 चम्मच मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये गरम होने के बाद हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जीरा है, काली मिर्च है, लवंग भी आप डाल सकते हो, इलायची है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और ये तेज पत्ता है। तो ये गरम हो जाए, इसमें लहसुन वगैरह नहीं डालना क्योंकि हमने पेस्ट में डाल दिया है। देखिए ये गरम हो गया है, हम इसमें डाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा हम हिला लेंगे इसको अच्छे से, तो थोड़ा सा फूट जाए, जैसे ये जीरा वगैरह
उसका कच्चापन हट जाए, तब इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। ये देखिए पक गया है, तो इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च साथ में डाल देंगे। इसको पूरे नहीं पकाने हैं, थोड़ा सा ही हल्का भुनना है इसे। तो इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा पक चुका है, तो इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो डालना है इसके अंदर। तो चलिए इसमें सब डाल लेते हैं, और ये जो लगा है ना इसमें थोड़ा सा हम आधा बाटी जितना पानी डाल के इसको अच्छे से निकाल के हम डाल लेंगे। तो ये देखिए सब मैंने डाल लिया है, और मिक्सर में जो लगा था उसको अच्छे से मसाले में थोड़ा सा आधा बाटी पानी लेके उसको भी डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से इसको पका लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे, याद रखना हमने ग्रेवी बनाने के टाइम भी डाला था, तो इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। थोड़ा कम रहेगा चलेगा, आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो देखिए मैं नमक डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक तेल रिलीज ना हो जाए। दो मिनट, देखिए मैंने दो मिनट पका लिया है। तो इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि धनिया जीरा पाउडर है आधा चम्मच, इतना ज़्यादा मसाले की यूज़ नहीं करेंगे हम। और एक गरम मसाला, आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हो, तो ये मैं डाल देती हूँ। ठीक है, साथ में भून जाएगा, और इसे अच्छे से चला के इसे हम फिर ढक के 5 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे इसके अंदर, और इसे हम 5 मिनट तक और ढक के पकाएंगे, फिर हम पनीर डालेंगे इसके अंदर। देखिए ये मसाले पक गए हैं, और ग्रेवी आपको जितना चाहिए आप उतना पानी डालिए। मैंने आधा ग्लास जितना पानी डाला है, और इसको मैं थोड़ा ये पानी डाल के पका लूंगी, फिर फाइनल हम पनीर डाल देंगे इसके अंदर। तो चलिए इसको ढक के पकाते हैं हम। ये देखिए हम चेक करते हैं, बीच में मैंने एक बार चला लिया था, तो देखिए ये ग्रेवी ठीक हो गया है। इसमें हम पनीर डाल लेंगे, ये जो पनीर हमने फ्राई किया था। ये पनीर को डालने के बाद हम स्लो में इसे थोड़ा पकाएंगे पनीर के साथ। देखिए पनीर डाल दिया है, अब इसे हम ढक के स्लो पे पकाएंगे। मैंने गैस भी स्लो कर दिया है, और इसे हम ढक के पकाते हैं। ये देखिए हमारा पनीर की सब्जी रेडी है, आप देख सकते हैं। इस पर आप क्रीम भी डाल सकते हैं, आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। आप देख सकते हो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, और कलर भी बहुत बढ़िया है। तो हम इसको सर्व करके मैं इसे बताती हूँ आपको। चलिए तो आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है, और दिखने में बहुत अच्छा है। और मैंने एकदम आसान और घर में जो सामान अवेलेबल है वही मैंने डाल के बनाया है। ये नहीं कि मुझे ये खरीद के लाना है, ये वो खरीद के लाना है। तो आप देखिए, और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, और खा के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना मेरा चैनल, ये सब्सक्राइब कर ले, और वो भी नए नए रेसिपी इंजॉय कर पाए, देख पाए और बना पाए। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय बाय।